नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पिना का परिवार में। देखिए, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई है इस बार, और इसका पेपर देखते देखते इसका पेपर आ लिया और 35 दिन बचे हैं बस पेपर के लिए। और 35 दिन में हम लोग क्या देख सकते हैं, मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। देखो, सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि आपको रिविजन किस टाइप में अपना रखना चाहिए, किस टाइप में आपको रिविजन अपना करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे हम कट ऑफ का कंपेरिजन। पिछली बार वैकेंसी आई थी तो पिछली बार किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्या था और इस बार से क्या है, इतना तो आप जानते होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद देखी नहीं हो, हम उनको देखेंगे। और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए तो आप चौंकना मत, बस आप थोड़े यहां से सावधान हो जाइए कि आपको किस किस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन, अब तक के सारे पेपरों में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपकी आरपीएफ एसआई की भर्ती में है, क्योंकि अभी आपका कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे हैं बच्चों ने वो भी आपको पता चल गया होगा। इंक्रीज वैकेंसी, सबसे बड़ा डाउट बच्चों में आजकल हो रहा है कि भाई वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर भी बातचीत करेंगे कि भाई क्या सोर्स है जिसके अनुसार पता चल रहा है कि वैकेंसी बढ़ सकती है या कितनी बढ़ सकती है, उसको देखते हैं। उसके बाद आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए, कितना हो सकता है, उस पर ध्यान देंगे। और सैलरी का तो बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई सैलरी क्या मिलेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमें रिवीजन अपना किस तरह से रखना चाहिए, ठीक है। तो इन पॉइंटों पे बातचीत करते हुए ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे आपका, पर इन पॉइंटों पे ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले तो ये कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि 2 से 5 दिसंबर के बीच में आपका पेपर होना है। रेलवे सब इंस्पेक्टर के काम क्या होते हैं, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना सबसे मेन टारगेट होता है, मेन काम होता है। वहाँ रेलवे स्टेशन के नियर बाय जो भी क्राइम होते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं, उन पर ध्यान देना। अगर आपका सपना है कि भाई आप जाना चाहते हो कि आप इस तरह से, मतलब एक देश की सेवा मान लो, अपनी खुद की सेवा मान लो, सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है लाइफ में, बहुत आराम से जा सकते हो, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक समय ऐसा भी चल रहा है कि बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा कम मतलब मन लग रहा है, आप चाहो तो थोड़ा सीरियस होकर बहुत जल्दी जॉब ले जाओगे। बात करेंगे भाई क्या क्या पहलू अपने होने चाहिए। देखो, सबसे पहले 35 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। देखो, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सब चीज़ आप देखते रहते होगे, सब टीचर की देखते होगे, लेकिन मेरा मानना है कि इनको देखो अप्लाई करो अपने अंदर। आप भी जानते हो कि सिलेक्शन पढ़ाई से होगा, बस ये कि हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं इस पर, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि वैकेंसी का क्या हिसाब किताब है। 5 साल में वैकेंसी आई, 2018 में वैकेंसी आई थी, पेपर 19 में जाके हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि वैकेंसी थी आपकी, टोटल वैकेंसी 1120 थी, और इस बार वैकेंसी कितनी है भाई, पिछली बार 1120 थी तो मेल की कितनी थी 819 और फीमेल की कितनी थी 301। और इस बार अगर वैकेंसी की बात करूं तो 452 ही वैकेंसी आई है। थोड़ा जल्दबाजी में रेलवे ने ये फॉर्म निकाले थे, तो इसलिए वैकेंसी जो उनके पास थी वो निकाल दी, इसीलिए संभावना है कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। क्यों कह रहे हैं इस बात को भाई, ये वैकेंसी तो जल्दबाजी में निकली थी और काफ़ी समय हो चुका है, तो कुछ अपडेट हुई होंगी, तो हो सकता है कि इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ जाए। कट ऑफ डिपेंड करेगी वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल कितना है, हम उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो 385, क्योंकि देखो लगभग 1/3, मतलब 1/2 के आसपास हो गई है। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल की वैकेंसी 301 थी और अब कितनी होगी, 68 हो गई, मात्र 68 वैकेंसी बच रही है। इसमें देखते हैं जरा, देखो कि भाई वैकेंसी पिछली बार देखो इस तरह से आई थी, हुआ क्या था कि ये जोन वाइज बटा हुआ था, ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप ए है तो इसमें आपको जोन ले रखे थे SR, SWR, मतलब साउथ के जोन इसमें ए ग्रुप में ले लिए, बी ग्रुप में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे मतलब मुंबई बॉम्बे वाला हिसाब किताब वो सारे इसमें आ गए थे, ER ईस्टर्न रेलवे वगैरह वाला पूरा पोर्शन आपका गुवाहाटी वाला एरिया वो आपके सी में आ गए थे, डी अपना वाला एरिया था जो कि NR, NER मतलब ये दिल्ली वाला एरिया जहाँ पे मेरी खुद की जॉब है दिल्ली में, ये वाला पूरा एरिया आपका NR था, सबसे हाई कट ऑफ आपके यहीं की जाती है, और NFR और RPSF ये दो जोन थे, इसमें तो वैकेंसी कम थी, और ये NFR हो गया फ्रंटियर रेलवे। अगर मैं बात करूं इस बार कितनी है, इस बार पहली बात तो वैकेंसी हो गई 384 तो मेल की, और फीमेल की हो गई 68, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां तो कट ऑफ गई थी आपकी ग्रुप वाइज, लेकिन यहां कट ऑफ जाएगी एक साथ कंबाइन, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं कि अगर पहले जैसा पेपर रहा तो कट ऑफ आपकी 110 के आसपास चली जाए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। बस हम लोग ये समझेंगे कि हमारा क्या अटैम्प्ट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए, पिछली बार की कट ऑफ कैसे कैसे क्या क्या रही थी,
अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले कट ऑफ तो ये लगी थी, आपको अभी बताया था कि ये ग्रुप वाइज बटा हुआ था, और ग्रुप वाइज बटा हुआ था तो इसमें कैसे आ रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह से आ रखा था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ये पहली कट ऑफ है जो इन्होंने एक फिजिकल के लिए अनाउंस करी थी, ये कट ऑफ थी। और इसमें जो बच्चे पास हुए जो फिजिकल दिए, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर जगह पर कट ऑफ लगभग 6, यहाँ पर 4, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ी है, 6 से 7 नंबर आपकी जो पहली पीरी की कट ऑफ आएगी, जिसमें 10 गुना बच्चों को लेंगे, फिजिकल कराएंगे, उसके बाद फिर एक फाइनल कट ऑफ आएगी। फाइनल कट ऑफ की तरफ जाओगे तो कम से कम 6-6 नंबर बढ़ी है। लेकिन चौंकाने वाली बात, आपको देखने वाली बात यह है कि ये कट ऑफ लगभग 100 के आसपास गई थी मेल की, और 120 में से 119.68 पहुंच गई थी कट ऑफ, मतलब 120 में से लगभग 120 ही चली गई थी। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपका ये दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे जो होता है यहीं पर होता है, तो ये सारे इसी में आ रखे थे। सबसे बड़ी बात यह है इसमें समझने वाली कि 119 नंबर ऐसे नहीं आए इसके, बच्चों के क्या हुआ था कि लगभग 20 से 25 नंबर किसी किसी शिफ्ट के बड़े थे, और जैसे किसी बच्चे के 105 नंबर आए या 100 नंबर आए तो उसके 20 नंबर बढ़ गए, 105 किसी के तो 20 बढ़ गए, लगभग कितने हो गए, 125 नंबर पहुंच गए उसके। तो नंबर बच्चों के 130 125 तक भी पहुंचे थे, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं कि 119 क्यों गई है, क्योंकि अगर मैं किसी शिफ्ट की बात करूं, पर्टिकुलर किसी शिफ्ट की, तो आपको 100 105 में हो गया था। लेकिन एक चीज और समझो जरा ध्यान से कि वैकेंसी तो कम है, लेकिन पिछली बार बच्चे क्या थे ना, जैसे यहां पर देखो आप कट ऑफ 103 गई है ऐसा मानो, और लेकिन 103 कट ऑफ गई है इस ग्रुप की, तो जिस जितने फॉर्म इस ग्रुप में भरे गए थे उतने ही बच्चे थे यहाँ, उनके बीच में कंपेरिजन हुआ, लेकिन इस बार क्या है सब एक कर दिया। तो कुछ आप सोच के देखो कि 119.68 कट ऑफ गई है, अगर मैं 110 तक के लिए आता हूं तो 110 तक के लिए कुछ बच्चे तो यहां भी होंगे जो पिछली बार तो रह गए वो ग्रुप के चक्कर में, लेकिन इस बार क्या है सबकी ओपन है, तो यहां से टॉपर बच्चे, यहां से जब टॉपर टॉपर बच्चे हर जगह से निकलेंगे, सब एक जगह कट ऑफ जाएगी, तो कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है इसमें मेरे ख्याल से। मैं आपको एक बात आज बता रहा हूं कि देखो आज तारीख कितनी, अभी आपके 35 दिन बच रहे हैं पेपर के लिए, और आज है लगभग, मतलब आज की डेट है 25 अक्टूबर आज की डेट है। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि आने वाले पेपरों को देखते हुए आरपीएफ ऐसा ही कट ऑफ सबसे हाई ना चली जाए, ये बस मेरी एक संभावना है। मैं कहता हूँ कि ऐसा, देखो पॉसिबिलिटी सब है कि वैकेंसी कितनी है, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो इसमें देखते हैं। देखो कि देखो सिलेक्शन प्रोसेस पिछली बार क्या था कि 2018 में तो ग्रुप वाइज हो गया, कट ऑफ ग्रुप वाइज लगी थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो 17.5 लाख के आसपास थे, और अगर पर सीट की बात करूं लगभग 1500 बच्चे थे। लेकिन अगर इस बार की बात करूं तो कट ऑफ है डायरेक्ट, मतलब सबकी एक साथ ही है, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई 15.5 लाख के आसपास है, और अगर मैं पर सीट की बात करूं तो 3400 बच्चा पर सीट आता है। अगर मैं बात करूं एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं, अगर मैं इन पेपरों की बात करूं, एसएससी वगैरह की बात करूं, लगभग 300-400-250 पर बच्चा सीट ले जाता है, पर बच्चे के लिए सीट मिल जाती है। लेकिन यहाँ देखो 3400 बच्चे पर एक सीट पर है, 3400 बच्चों में कॉम्पिटिशन है, तो आपको ऐसा ही आसानी से नहीं मिलने वाली, सारे क्रीमी बच्चे जाएंगे। लेकिन एक संभावना बहुत अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी जैसे आपकी लगभग कितनी है, वैकेंसी जैसे मैं बात करूं इस पे, तो टोटल वैकेंसी मिलाकर 384, और ये लगभग बैठेगी 450 के आसपास। तो जैसे 450 वैकेंसी को आप देखोगे तो बच्चे 10 गुना बुलाएंगे, तो बच्चे लगभग 4500-5000 के आसपास बच्चे बुलाएंगे। तो अब जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं ना, वो फिजिकल में ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, ये संभावना रहेगी। तो हो सकता है कि यहाँ आप एक बार फिजिकल में पहुंच जाओ, आपका फिजिकल अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर बच्चा जो पास कर रहा है वो फिजिकल में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ से पॉजिटिव रहो और 4500 बच्चे प्री की कट ऑफ में क्वालिफाई करेंगे, प्री मतलब निकलेगा उनका, फिर फिजिकल के लिए जाएंगे। तो आपके लिए प्लस पॉइंट बस इतना सा है कि आप यहाँ से 35 दिन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसको बात करते। देखो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, मतलब तीन एक क्वेश्चन सही करोगे, तीन क्वेश्चन गलत करोगे, तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे, मतलब ऐसा समझ के चलो। तो यहाँ से अगर 1/4 की नेगेटिव होती है तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए सारे के सारे, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन 1/3 है तो आपको बस क्वेश्चन वही छोड़ना पड़ेगा जो आपने आज तक पढ़ा नहीं है। अगर आपका एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है तो आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये। अगर आपने सपोज करो भाई तीन क्वेश्चन गलत करोगे एक सही हो जाएगा, इसका मतलब 4 क्वेश्चन पे 0 हो गया,
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको 12 क्वेश्चनों पे तुक्का मारना है और आपका एक ऑप्शन हट चुका है, एक या दो ऑप्शन हट चुका है, और मैं आपसे बोलूं कि 12 क्वेश्चन पे तुक्का मारना है, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते इसमें से 3 सही तुक्के मार दो? 3 अगर आपने सबसे बुरा हाल भी हुआ, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर भी दिया, आप 12 क्वेश्चन में से 3 तुक्के तो मार सकते हो ना। और अगर आपने 3 तुक्के मार दिए तो आपके 12 क्वेश्चनों का 0 स्कोर हो गया, नेगेटिव कुछ नहीं कटने वाला। होना क्या है कि भाई अब मुझे पता है कि आप ये कहोगे कि हम 12 में से एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट करके कम से कम 6-6, 8-8, 10-10 क्वेश्चन बच्चे तुक्का लगा देते हैं, तो वहां से आपके प्लस पॉइंट बढ़ते हैं नंबर। अच्छा होता क्या है, बच्चे बहुत सारे ये कहते हैं मेरे नंबर नेगेटिव हो गए। वो नेगेटिव होते हैं लेकिन वो बच्चे ये नहीं बताते। अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन अगर आते हैं ना किसी पेपर में, तो उसमें से याद करे हो मात्र 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर कट ऑफ 80 जाती है तो 40 क्वेश्चन याद करे हो आते हैं, और बचे हुए 50 क्वेश्चनों में बच्चा तुक्का मारता है, 40 में 50 मान लो चलो, और ये बचे हुए 40-50 क्वेश्चनों में तुक्का मारता है वो। अब इस तुक्के में होता क्या है कि 30 तो हो जाते हैं सही उसके और 20 हो जाते हैं गलत। तो ये 20 जो गलत हुए हैं ना, अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हट जाएंगे उसके, 5 हट जाएंगे, इसका मतलब 25 क्वेश्चन उसने इन 50 क्वेश्चनों में से तुक्के मार के 25 नंबर उसके प्योरली फ्री के मिल गए उसको। तो उसको क्या होता है कि हमेशा ये 20 क्वेश्चन दिखते हैं, मेरे 20 नेगेटिव हो गए, मेरे 20 नेगेटिव हो गए। वो ये नहीं देखता कि उसने जो 50 क्वेश्चनों पर जो सोच समझ के इधर उधर का लगा के जो तुक्के लगाए थे, जो दिमाग लगाया था अपना, वो 50 क्वेश्चन थे, उनमें से 30 सही हुए, ये कभी ना दिखने के 30 उसको दिखेंगे क्या, ये 20 नेगेटिव दिखेंगे बार बार, और इन्हीं को बार बार कहता रहेगा मैं नेगेटिव ज्यादा हो गए। भाई अगर नेगेटिव ज्यादा हो गए तो वो नेगेटिव तो मैं नहीं पता थे पेपर में कि ये नेगेटिव है। आप अगर इन क्वेश्चनों को हटा दो तो आपको 30 क्वेश्चन और हटाने पड़े, आपके 40 नंबर रह जाते। अब तो फिर भी 40 और 25 65 नंबर आए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो कि चलता किस तरह से है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई देखो सिलेबस किस तरह से आपका क्या क्या, अब सबसे मेन मुद्दा यह है कि भाई तैयारी कैसे करें, यहां से आगे रिवीजन का ही समय बचता है, कुछ और नहीं बचता, तो क्या क्या आपको करना चाहिए हम उस पर बातचीत करेंगे। देखो मैथमेटिक्स 35 की आ रही है, रीजनिंग 35 की आ रही है, जनरल अवेयरनेस 50 की आ रही है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें यह है कि जो मैथ और रीजनिंग है, अगर एसआई में किसी का सिलेक्शन होगा, देखो वैकेंसी जहां जहां कम होती है वहां वहां इनका वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं जीके की बात करेंगे, पहले मैथ और रीजनिंग का देखते हैं, कट ऑफ हाई जाने का रीजन है कि जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो बच्चा यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छे लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता, ज्यादा अच्छे लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती यहाँ से। अगर कोई बेसिक बच्चा है, थोड़ी एक साल की प्रैक्टिस में है, वो आसानी से 70 में से लगभग 65 प्लस स्कोर कर देगा, लेकिन आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि इस 70 नंबर में से आपको 68 नंबर कम से कम लाने चाहिए, मतलब 68 की जगह छोड़ो, यहाँ से 67 क्वेश्चन आपको लगभग लाने चाहिए, 67 एक क्वेश्चन मानो गलत स्कोर करना चाहिए, बटे में से बटे लगभग 65 अगर आते हैं, तो आपको फिर यहाँ थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जीके वाला पार्ट है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इसमें ऑलरेडी करनी पड़ेगी। ऐसा मान के चलो कि सिर्फ थोड़ी सी हार्ड आ गई तो आपके नंबर अच्छे बढ़ सकते हैं, बढ़ने की संभावना है। देखते क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने कितने आ रहे हैं। देखो पहले एक चीज देखो जरा कि सबसे पहले मैंने मैथ को डिवाइड कराया, और मैथ को डिवाइड कराया किसमें कि परसेंटेज फैमिली, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, यहां से लगभग आपके 7-8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे पक्का। यहां से एक एक क्वेश्चन तो इन सबसे पूछा जाएगा, परसेंटेज से 2 और मिला जुला के 6-7 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। एक आता है रेशियो एंड मिक्सचर फैमिली, यहां से रेशियो हो गया आपका एज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, और आपका एवरेज हो गया, क्योंकि एवरेज के आधे कॉन्सेप्ट मिक्सचर और एलिगेशन टाइप में लगते हैं, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। नंबर सिस्टम वाली फैमिली जो है उसमें क्या आएगा, आपका नंबर सिस्टम आ गया, आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, एलसीएम एसएफ आ गया, तो ये क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपके 6-7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बात करें तो 3-4 क्वेश्चन है जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस होगी, ट्रेन का हो गया और आपका बोट एंड स्ट्रीम का हो गया इसमें। उसके बाद टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप हो टंकी हो। उसके बाद मेंसुरेशन ज्योमेट्री से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा से थोड़ा सा, देखो एलजेब्रा का पार्ट कैलकुलेशन में पूछेगा, तो वहां से 3-4 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। मतलब स्टैटिक्स का 1-2 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से पूछेगा, और डीआई का 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन वेरी करेंगे। तो यहां से आपको एक बार रिवीजन पूरे मैथ का कर लेना चाहिए। रीजनिंग के आपके टॉपिक सामने है, यहां से आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको आ जाएगा। यहां से आगे तुम्हें क्या करना चाहिए वो समझो ध्यान से, एक मॉक टेस्ट डेली, यहां से एक मॉक टेस्ट डेली लगाना शुरू कर दो,
और अगर आप टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें मेन चीज ये ध्यान रखना कि आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से ऊपर हो, इस बात को ध्यान रखना। तो आप देखो परसेंटाइल कितना आ रहा है और आपको कोशिश करनी है, अगर आपका परसेंटाइल 60 से 70 या 80% तक आ रहा है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये आपका परसेंटाइल 90 प्लस पहुंच जाए। इस बात को याद रखना, एक सिलेक्शन वाले बच्चे का परसेंटाइल 95% के आसपास जाता है, ठीक है। और जो स्कोर टेस्ट बुक में लगभग आ रहा है आपका उससे 5 से 10 नंबर बढ़ के ही आएगा, इस बात को टेंशन फ्री रहे आप, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट पर डे आपको करना चाहिए, 1.5 घंटे मॉक टेस्ट में और 1 घंटा उसको एनालाइज करने में, आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ रखा है, क्या क्या वीक है, क्या क्या छूट रहा है, कहाँ से छूट रहा है, किस टॉपिक से छूट रहा है, वो आप खुद से, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो कह दूंगा रिवीजन ऐसे कर लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ लो, मैं तो कह दूंगा, लेकिन आप देखो ना आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजी के वीक पॉइंट है। अब देखो जीएस का पार्ट है, थोड़ा सा पेपर पिछली बार किस टाइप में पूछा गया है आप उसको देखो, उसमें हुआ गया कि देखो हिस्ट्री के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की तो 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 4 से 5 है, केमिस्ट्री के 2 से 4 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन वहां से कम करके दूसरे वाले में बढ़ा सकता है, वो शिफ्ट वाइज वेरी करेगा। लगभग 10 के आसपास करंट अफेयर का ऐसा माना जा रहा है कि पूछा जा सकता है, पर हो सकता है कि वो स्टैटिक जीके को यहाँ से 2-4 नंबर बढ़ा दे और यहाँ से 2-4 नंबर करंट के कम कर दे, क्योंकि जीके 50 नंबर की पूछी जा रही है। तो ये लगभग जीएस का इस तरह का पार्ट है, स्टैटिक जीके वो बढ़ा दे। मैंने क्या करा है, स्टैटिक जीके का मतलब समझो इस बात को कि जैसा हिस्ट्री का कोई पार्ट है स्टैटिक का पार्ट। तो मोस्टली अगर सिलेबस को बांटोगे तो बांटने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप याद कर रहे हो भाई, आप राष्ट्रीय उद्यान याद कर रहे हो, नेशनल पार्क याद कर रहे हो, अब कोई कह देगा वो स्टैटिक का पार्ट है, वो तो फिक्स है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह से तुम इसको बांट के चल रहे हो। अगर आप तो यहाँ से ये 10 क्वेश्चन ऐसा मानो कि ये आर्ट एंड कल्चर टाइप के हो गए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर और कुछ स्टैटिक का, जो जितने भी सुपरलेटिव मतलब जितने भी फर्स्ट डिग्री वाले हैं, जितने भी कि प्रथम कौन है, तो ये सारे के सारे बेस्ट वाले। और इस तरह से अपना एक रिविजन कर लो, मॉक टेस्ट आपका डेली लगना चाहिए सबसे बड़ी बात। एक चीज, एक डाउट हो रहा था कि भाई सैलरी वगैरह, देखो सैलरी वगैरह का तो ऐसा है कि लगभग सैलरी 70 से 80 हज़ार के आसपास जो वहाँ जॉब कर रहे हैं उनके हाथ में आती है मिनिमम सैलरी आपकी। देखो होता क्या है कि जो बेसिक पे होता है ना, लगभग 35,400 के आसपास बेसिक पे है, और लेवल 6 में आती है जॉब, तो लेवल 6 में जॉब आती है, बेसिक इतना है। तो आप अगर आज के अंदाजे में अगर आप इसमें सारे अलाउंस वगैरह लगाओगे तो ऐसा मानो कि सैलरी इसकी डबल के आसपास आपके हाथ में आती है, अंदाजे में डबल के आसपास, अगर आप ऐसी अंदाजा लगाना चाहते हो तो, ठीक है। तो सैलरी वगैरह का ये पीछे हमने देखा कि भाई सबसे, अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताना चाहूं इसकी कितनी जा सकती है, तो सबसे मेन चीज है कि भाई कट ऑफ डिपेंड करेगी, ठीक है, कट ऑफ का देखते हैं कि कट ऑफ का किस तरह से जाने का अनुमान है, तो वो चीज समझो जरा भाई। कट ऑफ डिपेंड करेगी कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है, मतलब पेपर किस तरह का पूछा जाने वाला है। अगर पेपर ज्यादा अच्छा पूछा गया, हार्ड पूछा गया, तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी, और अगर पेपर पहले की तरह पूछा गया तो कट ऑफ 110 प्लस चले जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आसपास में लगभग आपका स्कोर 100 से और 105 के बीच में होना चाहिए यू आर मेल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। ये 105 से 100 से 110 कर लो इसको, लगभग 100 से 110 नंबर के आसपास, ठीक है, ये 105 से 110 के आसपास यू आर कैटेगरी से मेल की जाने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद यू आर कैटेगरी से फीमेल की बताऊं तो फीमेल की कट ऑफ लगभग 100 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास रहेगी, ये फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है। अगर पेपर थोड़ा सा आसान पूछ लिया तो ये कट ऑफ बढ़ भी जाएगी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि बाकी देखो और जगह का भाई यू आर है, ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी के लिए आपकी कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर कम मान लो आप, ठीक है। और अगर बात करूं इधर से, मतलब 4 से 5 नंबर ओबीसी के लिए कम कर लेना, और इससे ही 10 से 12 नंबर कम कर लेना एससी और एसटी के लिए, लगभग कट ऑफ का अंदाजा ये है। बाकी कट ऑफ डिपेंड करेगी कि भाई वैकेंसी कितनी बढ़ती है और आपके पेपर का लेवल क्या होने वाला, ठीक है। बाकी कोई अगर अपडेट आती है वैकेंसी बढ़ने की तो हम इसी चैनल पर आपको देंगे। और अगर आपको इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी है, या आपका कोई डाउट है, या आपकी कोई एक सुझाव है जो आप हमें बताना चाहते हो, आप कमेंट करिए। और पिनाका अकेडमी टेलीग्राम है अपना,
वहां आप ज्वाइन हो सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, ठीक है। अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं।